कि असंगठित श्रमिकों क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा डाटा रहेगा उपलब्ध। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हो रहे हैं शामिल। भारत ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू की। प्रोजेक्ट में बनने वाला 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक राजधानी माले के आसपास के द्वीपों से जोड़ेगा। और खेल की दुनिया में हेडिंग्ले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजी क्रम ढहा। मेजबान इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 78 रनों पर समेटा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 42 रन की बढ़त बनाई। और मिडडे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज सभी राजनीतिक दलों के प्रो लीडर्स को अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में जानकारी देने के लिए संसद एनेक्सी बिल्डिंग में बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख के बारे में सभी दलों के नेताओं को अवगत किया जा रहा है। साथ ही अफगानिस्तान को लेकर सभी दलों की चिंताओं को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। भारत वहां से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारत सरकार वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रही है। अब तक अफगानिस्तान से 600 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। और अफगानिस्तान के काबुल से लोगों को निकालने के क्रम में भारतीय वायुसेना का एक विमान आज दिल्ली पहुंचा। वायुसेना के इस विमान से 24 भारतीय नागरिक और 11 नेपाली नागरिकों को लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम जारी रखे हुए है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक करीब 700 से ज्यादा लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला है। अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का काम जारी है। वायुसेना का एक और विमान आज दिल्ली पहुंच रहा है। विमान में 24 भारतीय नागरिक और 11 नेपाली नागरिक सवार हैं और ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत ही विमान दिल्ली पहुंच चुका है। तो अफगानिस्तान के हालात पर और अधिक जानकारी के लिए अजय विक्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, बहुत अहम आज एक बैठक हो रही है विदेश मंत्री की अगुवाई में, क्या ताजा जानकारी है? देखिए रजनी, संसद भवन के भीतर एनएक्सी में सभी फ्लोर लीडर्स के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं अभी, और जो अफगानिस्तान की स्थिति पर जो भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसको ब्रीफ किया गया है। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया है मीटिंग को, और उसमें विदेश सचिव ने सबसे पहले प्रेजेंटेशन दिया है पूरे मामले पर, और उसके बाद विदेश मंत्री ने अपने बयान रखे हैं, और अभी सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रश्नों के साथ विदेश मंत्री के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। उसका जब जवाब मिलेगा और उसके बाद मीटिंग खत्म होगी। लेकिन अभी मीटिंग के भीतर से 2 अहम जानकारी रजनी सामने आई है, जिसमें विदेश मंत्री ने साफ तौर पर यह बात कही है कि भारत की इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता मानवीय आधार पर जो अफगानिस्तान में फंसे हुए लोग हैं, उसमें से भी खास तौर से जो भारतीय लोग हैं उनको वापस लाना है, उनको निकालना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिसमें अभी तक 15,000 लोगों ने अपने कॉल किए हैं, वो रजिस्टर कराए हैं। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान में कितनी अफरा तफरी का माहौल है और लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कितने बेताब हैं। दूसरी बात जो मीटिंग में विदेश मंत्री ने ये बताई है कि जिस तरह से अभी तालिबान की अफगानिस्तान में मौजूदगी के बाद जो हालात बदले हैं उसको देखकर पूरा विश्व वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और भारत भी फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और भारत भी ये देखने की कोशिश करेगा कि तालिबान की आगे किस तरह से गतिविधियां रहती हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड है वो तालिबान का जो रिकॉर्ड है पूरे विश्व के मानस पटल पर बहुत ही गलत प्रभाव डाला हुआ है। तालिबान हालांकि कोशिश कर रहा है कि एक मॉडरेट अपना चेहरा सामने लाने का, लेकिन वो अभी तक
लोगों को यकीन नहीं दिला पाया है। यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोग ही अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ विदेश मंत्री ने जो पूरी अपनी उनकी ब्रीफिंग हुई उसको उसकी शुरुआत उन्होंने की कि किस तरह से ओबामा ने ही शुरुआत की थी अफगानिस्तान से सेना को हटाने की बात शुरू की, उसके बाद ट्रंप ने उसको आगे बढ़ाया। सितंबर तक की ये तारीख रखी गई थी, उसके बाद अगस्त में जो है फाइनली वहां से जो ट्रूप्स हैं वो हटाए जाने का 31 तारीख तक का ये निर्णय लिया गया। तो इस लिहाज से जो दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच में जो बात हुई थी इस मीटिंग में ये बात हुई है कि जो बात हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच में उसको उस पर खरा नहीं उतरा है तालिबान और इसकी वजह से ये स्थितियां खराब हुई हैं, ये भी मीटिंग में बात कही गई जो जानकारी मिल रही है। तो इस लिहाज से अगर हम कहें तो तीन महत्वपूर्ण सवाल विपक्षी दलों के मन में है। पहला कि जो वहां पर हमारे नागरिक फंसे हुए हैं उनको किस तरह से इवैक्यूएट करना है, मानवीय आधार पर किस तरह से मदद की जा रही है। दूसरा सवाल आर्थिक पहलू पर है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट $3 बिलियन का अफगानिस्तान में हुआ है उसका क्या होगा और आगे उस पर क्या रणनीति बनेगी। और तीसरा तालिबान का जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की आईएसआई का संबंध तालिबान के हक्कानी नेटवर्क से है उससे हमारे भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा और उसके लिए हम क्या कूटनीतिक रणनीतिक और सामरिक आगे योजना बना रहे हैं, इस पर विपक्षी दल अपनी बात रखेंगे और उसके बाद एक बार फिर से उनके जवाब दिए जाएंगे। जी जी, तो अजय विक्रम आप इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, देश भर के कई गुरुद्वारों में अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप वापस लाए जाने के बाद विशेष अरदास के रूप में शुक्राना की अरदास की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। अपना वतन, अपना घर, अपनी मिट्टी और कई अपनों को पीछे छोड़ जान बचाकर भागते ये लोग, ये मंजर पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहे हैं अफगानिस्तान से, जहां अब तालिबान का कब्जा है। तालिबान के असली चेहरे से वाकिफ ये लोग जानते हैं कि अगर अब इस देश में रुके तो इनका वजूद खत्म कर दिया जाएगा। नम आंखों और चेहरों पर दुख भरी कहानियां लिए दुनिया भर के तकरीबन सभी देशों में शरण लेते लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन इनमें एक समुदाय ऐसा भी है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाता नजर आया। ये है अफगानिस्तान में बसे सिख समुदाय के 46 लोग। जो एक खास विमान के जरिए भारत पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ लेकर आए हस्तलिखित श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पावन स्वरूप भी। अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करते हुए सिखों के इस जत्थे ने अपने से पहले अपने गुरु का सम्मान किया और वही सम्मान मिला भारत में भी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी वाहेगुरु का नाम जपते हुए खुद दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के इन पावन स्वरूपों का पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए अपने आप को इस सेवा को करने के लिए सौभाग्यशाली माना। इन पावन स्वरूपों को दिल्ली के महावीर नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में स्थापित किया गया है। इट वॉज अ पर्सनली अ वेरी इमोशनल एंड मूविंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ सीख टू बी एबल टू पे ओबीसंस 13 स्वरूप या स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब जी के थे। 7 मुझे लगता है पहले आ गए थे। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द सेरेमनी। अफगानिस्तान से लौटे सिख समुदाय के लोगों ने अफगानिस्तान में अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने के साथ साथ यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया, जिन्होंने हमेशा हर धर्म का खुली बाहों से स्वागत किया है। जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ,
20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है और अब जीरो है। बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे, एयरपोर्ट बार बार बहुत बार बार आना पड़ रहा था, बहुत सायरे वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। पीएम मोदी खुद सिख गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने हमेशा सिखों की बहादुरी, साहस और जज्बे की सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए इस कदम की दुनिया भर के सिख समुदाय में प्रशंसा हो रही है। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के तीन स्वरूप वापस भारत आने पर अपना आभार व्यक्त करते हुए सिख समुदाय के लोगों ने आज देश भर के कई गुरुद्वारों में शुक्राना अरदास की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप वापस आए उनका हम शुक्राना किए हैं और जो सिख परिवार और जो हिंदू परिवार जो फंस गए थे अफगानिस्तान में, जो भारत का जो प्रयास किया है, जो सकुशल वापस आ गए उसका शुक्राना किया है। समूचे सिख परिवारों में, गुरसिखों में एक खुशी की लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सबकी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। जिस तरीके से उनका सत्कार करके लाया गया भारत में हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को, उसके लिए शुक्राने की अरदास हम लोग कर रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे पूरा सिक्खी स्वरूप को एक मर्यादा जो होती है उसके तहत वो लाए और भारत सरकार के दो दो मंत्री उनकी अगुवाई के लिए गए और उनको यथास्थान पर जो उनकी मर्यादा के अनुरूप उनको वहाँ पर स्थापित किया। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कुल 13 स्वरूप थे। 25 मार्च 2020 में अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा हर राय साहिब पर हुए हमले के बाद 7 स्वरूप भारत के विभिन्न गुरुद्वारों में स्थापित किए गए थे। केंद्रीय मंत्री द्वारा स्वागत किए गए 3 और स्वरूप के बाद अब बाकी बचे 3 स्वरूप भी जल्द ही भारत लाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा उठाए इस कदम और सिख समुदाय के सम्मान को लेकर मोदी सरकार की संवेदनशील सोच से दुनिया भर का सिख समुदाय गदगद है। सिख समुदाय जब भी अरदास करता है सरबत दा पला यानी सभी की भलाई की कामना करता है और देश के प्रधानमंत्री तो इस पर अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राजे चुनी नियाम की। ज्योतिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अफगानिस्तान से स्वदेश लौटे हैं और अब बात करते हैं ताजा खबर की। हैदराबाद में नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का प्रमुख उद्योग होगा जिसका देश और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। आजादी के 75 वर्षों में भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आईटी उद्योग ने 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं मानता हूं कि जीनोमिक्स 21वीं सदी का एक प्रमुख उद्योग होगा जिसकी देश और समाज निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कोरोना काल की चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं और भविष्य में जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या होने वाली है। एक प्राथमिक चिंता यह है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज आबादी को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। जीनोमिक्स हमें आने वाली चुनौतियों से लड़ने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। और भारत की नई ड्रोन नीति अधिसूचित कर दी गई है। नई नीति के तहत अब DGFT द्वारा ड्रोन के आयात को नियंत्रित किया जाएगा। अब किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1,00,000 रुपए किया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। साथ ही हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के लिए संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड से ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। ड्रोन उड़ानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है। ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को आसान किया गया है। व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होगी। साथ ही सामान की आवाजाही के लिए अब ड्रोन कॉरिडोर विकसित होंगे। साथ ही व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई ड्रोन नीति को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि नया ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत है। नियम विश्वास और स्वप्रमाणन के आधार पर आधारित है। अनुमोदन अनुपालन आवश्यकताओं और प्रवेश बाधाओं को काफी कम कर दिया गया है। नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। ये नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। ये भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा। तो नई ड्रोन नीति आज अधिसूचित कर दी गई है। व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रक्रमों के लिए अब इसकी सुलभता आसान होगी। समझने की कोशिश करते हैं कि नई ड्रोन नीति के तहत आम आदमी को क्या फायदा होगा। अगर आसान शब्दों में से समझने की कोशिश करें क्या कहती है नई ड्रोन नीति। भारत की नई ड्रोन नीति, ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया आसान की गई है। यानी व्यावसायिक हितों के लिए अब इसकी सुलभता को ज्यादा आसान और सरल बनाया गया है। पेपर वर्क यानी कागजी कार्यवाही जो होगी अब वो जो आसान होगी। डीजीएफटी द्वारा ड्रोन के आयात को नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के तहत ही इसका व्यापार और आयात संबंधी जो गतिविधियां होंगी वो संचालित होंगी। मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा तकनीक के माध्यम से इसके संचालन को और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का जोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है, तो इसी तहत व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों के तहत इसमें भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको आसान किया गया है। साथ ही कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ड्रोन कैसे ज्यादा कारगर तरीके से देश में संचालित हो, कैसे सामान की आवाजाही को ज्यादा सरल बनाया जाए, इसके लिए मूलभूत आधार संरचनाओं में भी अब फेरबदल किया जाएगा। ड्रोन कॉरिडोर इसके तहत विकसित किए जाएंगे ताकि उनका परिसंचालन जो है वो आसानी से किया जा सके। इसके अलावा ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। आसान बनाया गया है नियमों को ताकि व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ड्रोन की जो सुलभता है वो आम आदमी के लिए या जिन क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत है उनके लिए ये सुविधा आसानी से उन तक पहुंच सके। इसके तहत ही जुर्माना घटाकर भी 1,00,000 रुपए किया गया है जो पहले ज्यादा था। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अब संभव हो सकेगा। किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के लिए अब सिक्योरिटी क्लियरेंस की अब जरूरत नहीं होगी। साथ ही गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होगी। ये आम आदमी तक ड्रोन की सुलभता को और आसान बनाने में अहम कड़ी साबित होगी। हालांकि इसमें भी सुरक्षा संबंधी सावधानियों की मॉनिटरिंग अहम होगी, उस पर नजर रखी जाएगी ताकि गलत हाथों में या असुरक्षित हाथों में ये ना पड़े। तो क्या कहती है नई ड्रोन नीति, आम आदमी को, आम व्यवसायी को विभिन्न क्षेत्रों में इससे क्या फायदा होगा, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्लेषक है, अंतरिक्ष विश्लेषक अजय लेले। अजय लेले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई ड्रोन नीति अगर बहुत ही आसान शब्दों में समझे, एक आम आदमी को और व्यावसायिक क्षेत्र को इससे क्या फायदा होगा? मेरे विचार से हमने जो देखा हाल ही में जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर एक ड्रोन का अटैक हुआ था, तब से आम आदमी के दिमाग में यह बैठा है कि ड्रोन ये काफी संहार अस्त्र है। लेकिन ये पॉलिसी जो है वो एक कमर्शियल यूज के लिए है। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि ड्रोन एक ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है
उसको मिलिट्री में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके सिविलियन मायने बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। हमारी जो पहली पॉलिसी थी वो काफ़ी क्लिष्ट थी, तो इसलिए वो पॉलिसी में सुधार लाने की ज़रूरत थी। अगर आपने देखा होगा तो जुलाई के 15 को ड्राफ्ट ड्रोन नीति सरकार ने उपलब्ध कर दी थी, लोगों के सुझाव मांगे थे 4 अगस्त तक। तो 4 अगस्त तक सुझाव मांगे थे, इसका मतलब उन्हें सुझाव मिलने के बाद बहुत जल्दी उसके ऊपर काम हो चुका है और आज वो पॉलिसी उन्होंने ऑफिशियली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कर भी दी है। तो मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसलिए क्योंकि आज तक जो ड्रोन नीति थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, उसके पीछे बहुत बड़ा सिक्योरिटी बायस था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो ड्रोन से कुछ और खतरे पैदा हो जाए। तो ये नहीं मैं कहूँगा कि इसमें सिक्योरिटी इज नॉट बीन कंसिडर्ड, बट एट द सेम टाइम सिंप्लिसिटी बहुत आई है। अगर आप खाली फॉर्म्स जो पहले भरने की कोशिश करते थे, 20-25 फॉर्म्स ही लगते थे, तब अगर आपने देखा होगा ये पॉलिसी में खाली 5 फॉर्म्स रखे हैं और जो क्लियरेंसेस लगते थे वो भी बहुत मिनिमल क्लियरेंसेस रखे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ड्रोन को लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए यूज़ करना है, अगर आपको ड्रोन को कमर्शियल यूज़ करना है, तो ड्रोन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। पहले हमें 300 केजी तक का ही सामान ले जा सकते थे, अब 500 केजी तक का भी सामान ले जा सकते हैं। सो इसका मतलब बिजनेस में अगर आप ड्रोन खरीद रहे हो तो एक ही ड्रोन में आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको कैपेबिलिटी और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई दी गई है। दूसरी चीज़ यह है कि ड्रोन के लिए कॉरिडोर्स बनाए हैं, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक निगरानी भी रहेगी, एट द सेम टाइम जिनको ड्रोन यूज़ करना है उन्हें पता भी चल जाएगा। आपने जिक्र किया था ओपन स्काई पॉलिसी का, वो भी पॉलिसी ऐसी है कि उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि कौन से ग्रीन जोन्स हैं, कौन से येलो जोन्स हैं, सो उस हिसाब से उसके रूल पोजीशंस होंगे। एयरपोर्ट के कितने करीब से आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर भी पॉलिसी है, 8 से 12 किलोमीटर की एरिया के बाद आप ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे विचार से ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी ज़रूरत बहुत थी, क्योंकि जिस एरिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस एरिया में आपको सामान के आयात निर्यात के लिए, और खाली आयात निर्यात के लिए नहीं, देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप रोड ट्रैफिक देखें तो ड्रोन पॉलिसी से वो भी एक फायदा हो जाएगा। बिल्कुल अजय लेले जी, मेरा यही सवाल आपके जवाब से ही लगभग जुड़ा हुआ है। अगर भौगोलिक चुनौतियों की बात करें तो तमाम दिक्कतें हैं देश के भीतर जनसंख्या के लिहाज से भी, तो उस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को देखते हुए, नई तकनीक को देखते हुए एक बड़ी अहम कड़ी साबित हो सकता है ड्रोन। डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी अगर आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अगर स्टार्टअप्स के लिए है, इवन फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं उन्हें भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, वो भी ड्रोन यूज़ कर सकते हैं। 10 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और 3-4 और कंपनीज को, टोटल 10 कंपनीज को 1 साल ड्रोन यूज़ करने की अनुमति भी दी है। तो इसका मतलब पॉलिसी आने से पहले ही हमने काम शुरू कर दिया था, इंडस्ट्री को इंटरेस्ट था, तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और स्टार्टअप बेसिकली ड्रोन को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपने मिनी ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स भी हुआ है, हर ड्रोन क्या कर सकता है, जैसा आपने बताया था कि पायलट लाइसेंस हर ड्रोन के लिए ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा और कायदा कानून भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ पर ज़रूरत है सिक्योरिटी के हिसाब से वहाँ पर डेफिनेटली निगरानी होगी। जी, तो नई ड्रोन नीति अधिसूचित हुई है और इसका मकसद है कि आम आदमी तक व्यावसायिक और अन्य प्रक्रमों के लिए इसकी सुलभता आसान की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लेले जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और भारत ने मालदीव्स में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू कर दी। भारत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए मालदीव्स को करीब 2900 करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में करीब 730 करोड़ रुपये देगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र स्थित निर्माण और इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण राजधानी माले को विलिंगली, गुलीफालू और थिलाफूशी के आसपास के द्वीपों के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मालदीव्स के लिए आर्थिक जीवन रेखा के रूप में देखा जा रहा है।
और मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने परियोजना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि भारत की वित्तीय मदद से मालदीव्स में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना भारत और मालदीव्स की मजबूत साझेदारी के एक स्थायी प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर का हमारी विकास यात्रा का सहयोग करने के लिए धन्यवाद। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश की 4 दिनों की यात्रा पर आज लखनऊ पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे लखनऊ में कल ही संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद शनिवार को राष्ट्रपति गोरखपुर में सही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। दौरे के अंतिम दिन यानी रविवार को राष्ट्रपति ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में तुलसी स्मारक भवन का जीर्णोद्धार निर्माण और नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम का विकास शामिल है। राष्ट्रपति अपनी अयोध्या यात्रा के समापन से पहले श्री राम मंदिर के निर्माण स्थल का दौरा भी करेंगे और वहाँ पूजा करेंगे। और अब बात कोरोना संक्रमण के ताज़ा हालात की। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए, जबकि 34,159 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में 3,17,88,440 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,33,725 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.63% हो गई। हालांकि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में दर्ज नए कोरोना मामलों का 79% हिस्सा सिर्फ इन्हीं राज्यों से है। देश में पिछले 24 घंटों में 46,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 36,000 से ज्यादा नए मामले सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। जहां 31,445 कोरोना संक्रमित केरल में मिले हैं, वहीं महाराष्ट्र में 6 दिनों बाद कोविड-19 के नए मामले 5,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं और महाराष्ट्र में 5,031 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 607 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से महाराष्ट्र में 216 और केरल में 215 लोगों की जान गई है। तो केरल में कोरोना की स्थिति एक बार फिर से खराब होती दिख रही है। राज्य में 3 महीने के अंतराल के बाद एक दिन में 31,000 से ज्यादा नए कोविड के मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण की दर बढ़कर 19% हो गई है। केरल में कोरोना के ताजा हालात पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार। केरल में कोरोना की स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री। सर, क्या स्थिति है केरला में अगर हम कोविड की बात करें? नहीं, केरल में कोविड का केसेस की संख्या जो बढ़ रहा है, ये काफी यानी डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरे ख्याल से भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का टीम जो गया था, उन्होंने भी यही कहा था कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफी कमी हुआ है। और दूसरा, भारत सरकार ने जो कहा था कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, तब से लेके केरला सरकार होम क्वारंटाइन जो कह रहे थे, होम क्वारंटाइन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। और तीसरा विषय जो है लॉकडाउन और उसका रिलैक्सेशन, केरला सरकार अनफॉर्चुनेटली उसको स्वास्थ्य के आधार पर, साइंटिफिक डाटा के आधार पर करने के बजाय पॉलिटिकल आधार पर, रीजंस के आधार पर रिलैक्सेशन और ये लॉकडाउन ये निर्णय लेना शुरू कर दिया है। ये सारे विषय ये केसेस की संख्या बढ़ने की एक मुख्य कारण। सर, आपने विजिट भी किया है
और सेंटर ने क्या कोई गाइडलाइंस दिया है केरला को कि आपको इस चुनौतियों से कैसे निपटना है? भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का टीम जो गया था, उस टीम ने स्वाभाविक रूप से इसका आकलन किया था और सुझाव भी दिया है मैं समझता हूँ। और भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री भी पहला विजिट उनका जो मंत्री बनने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद केरल में गया और वहां के रिव्यू मीटिंग में भाग लिया है। और भारत सरकार सबसे ज्यादा वैक्सीन किसी प्रदेश को जो दिया है वो केरल को दिया है, इसलिए भारत सरकार सब तरह का प्रयास कर रहा है केरल को मदद करने के। सर एक आखिरी सवाल है, आगे की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, क्या उससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही है ताकि जो वर्स्ट सिचुएशन है उसको रोका जा सके? नहीं, इसलिए केरल सरकार को पूरी उनकी स्ट्रैटेजी को रिवर्क करना चाहिए और आगे का रणनीति बनाना चाहिए। हमारे साथ थे विदेश राज्य मंत्री और इन्होंने बताया कि कैसे जो केरल में जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है और केंद्र गाइडलाइंस के जरिए नजर रखे हुए है ताकि उस सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन जगपाल के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश भर में जहां संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, वहीं केरल और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि वहां पर लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर एन के अरोड़ा, अध्यक्ष हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरोड़ा। पूरे देश में प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के, लेकिन इन दो राज्यों के जो लापरवाही है उससे लगता है कि मेहनत पर पानी फिर रहा है। मैं ये तो ना नहीं कहूँगा, क्योंकि केरल में मृत्यु का जो आंकड़ा है वो सारे देश में सबसे कम है उस हिसाब से, और जो कोविड से ग्रसित व्यक्ति हैं, मरीज हैं, उनकी देखभाल भी ठीक हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि जो एक तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम क्वारंटाइन और तीसरा माइक्रो कंटेनमेंट जो स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, और इसको बहुत ही लोकलाइज लेवल पे करना पड़ेगा कि कंटेनमेंट की जो दिशा निर्देश हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने की ज़रूरत है, मोहल्ला लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और अधिक तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें देखना है कि होम क्वारंटाइन और कंटेनमेंट ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि भाई जिस जगह मेरे को ज़्यादा केस आ रहे हैं तो मेरे को वहाँ कंटेनमेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्वारंटाइन के लिए भी वो स्थिति बनानी पड़ेगी, और शायद इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा ध्यान से, और जैसा कि मैंने कहा कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से और स्मार्ट तरीके से कि रोजमर्रा की जिंदगी पे प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन जो कंटेनमेंट जरूरी है, जो जोन्स बनाने हैं वो जरूरी बने, इसी तरीके से जो क्वारंटाइन करना है उसको बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने की जरूरत है। और इसमें खाली स्वास्थ्य विभाग नहीं, इसमें जो राजस्व और एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, और ऐसा लगता है कि केरल में और अधिक जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ईद के बाद एकदम केस बढ़ गए थे और अभी ओनम के बाद दोबारा केसेस में उछाल आया है, तो ये देखने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक समारोह, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या वैसे भी सामूहिक जो समारोह हैं, शादी ब्याह और बाकी तरह के जो इसमें लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि जब हम कोरोना उपयुक्त बिहेवियर की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तो उसमें खाली दो व्यक्तियों के बीच में दो गज की दूरी नहीं है, हमें ये भी देखना है कि बाजारों में भीड़ ना हो पाए, सामूहिक समारोह नहीं हो पाए किसी प्रकार के भी, और हर एक मुद्दे पे बहुत ध्यान से काम करना होगा, नहीं तो ये स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि पहले केरल में बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट वेव जब थी और इस साल के अब मार्च अप्रैल मई में बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिससे कि केवल 50-52% लोग वहां पर सीरो पॉजिटिव थे, यानी कि संक्रमण केवल आधे लोगों में हुआ, तो आधे लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। अब पिछले जो 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं
तो संक्रमण तो बहुत तेजी से चल रहा है, वायरस का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी अगर हमने ध्यान नहीं किया तो ये लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा और बेवजह जो है बहुमूल्य जाने जा सकती है। बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर, है कि जो कंटेनमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक और स्मार्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि सब डिस्ट्रिक्ट और मोहल्ला लेवल पे चाहिए। दूसरी चीज कि होम क्वारंटाइन भी उसी से लिंक रहेगा। तीसरा, सामाजिक समारोह किसी प्रकार के भी किसी भी कारण से नहीं होने चाहिए। अब जैसे वहां पर जो बोट रेस वगैरह होती है उसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं, शायद क्योंकि ये महामारी है, अगर हमने एक साल अपने त्योहारों को नहीं भी मनाया, लेकिन जान ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, जान हर लिहाज से ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 60,38,46,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 80,40,407 टीके लगाए गए। और सरकार आज ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध होगा। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल के लोगों का अनावरण करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान को कायम रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माताओं के रूप में श्रम योगियों का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, जो कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुँचाने में मदद करेगा। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि इसके तहत श्रमिकों को वितरण और आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने पर इसमें खास तौर पर जोर दिया गया है। ई श्रम पोर्टल इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ और क्रियान्वयन के लिए सभी श्रमिक संगठनों के नेताओं ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने संघ के नेताओं को और उनके मूल्यवान और रचनात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए जोर दिया कि तेजी से पंजीकरण, क्षेत्र स्तर पर क्रियान्वयन और पोर्टल को असंगठित श्रमिकों तक ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, एक बड़ा हिस्सा है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का, कामगारों का, श्रमिकों का, और जैसा कि उन्हें श्रम योगी कहा गया, एक जगह उनका आंकड़ा उपलब्ध होगा, उनके लिए योजनाएं बनाना पहुंचाना ज्यादा आसान होगा। जी बिल्कुल रजनी, शुरू से ही माना जाए तो काफी समय से ये मांग रखी जा रही थी कि श्रमिकों के लिए एक ऐसा डेटाबेस तैयार होना चाहिए जिसमें पता चले कि असंगठित क्षेत्र में कितने मजदूर हैं जो कि काम कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में अगर उनके लिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो कम से कम वो उन तक पहुंच पाए और एक रोड मैप जो है सरकार किसी तरीके से बना पाए उसको लेकर लॉन्च किया जाना है उसको लेकर के है। और जा रहा है कि 38 करोड़ तक ऐसे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको इसका सही तरीके से फायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो वो लोग हैं जो कि आपके रेडी पटरी चलाते हैं, उसके अलावा वो माइग्रेंट लेबर्स भी होते हैं, वो भवन निर्माण कार्यों में भी जुटे रहते हैं, और ये ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो कि आपके अर्थव्यवस्था की कहीं ना कहीं एक रीढ़ माने जाते हैं, और ऐसे में जब इनको जो सामाजिक सुरक्षा की जितने भी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए ये श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। इसमें कहा भी जा रहा है कि जो इसमें जो भी इसके तहत इसमें पोर्टल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनको 2,00,000 रुपए का जो है एक्सीडेंटल बीमा और 1,00,000 रुपए का पार्शियली अगर वो किसी प्रकार से अगर ब्लाइंड हो जाते हैं या उन्हें हानि होती है तो उसके लिए उनको 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। ये एक प्रधानमंत्री जो योजना है उसके तहत उसमें दिया जाएगा, जिसमें उनका जो जिस प्रकार से उनकी जितनी भी जो भी योजनाएं तमाम सरकार द्वारा बनाई जा रही है वो योजनाओं का सीधा तरीके से लाभ उठाया जा सकेगा। इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको एक 12 नंबर का एक डिजिटल एक उनको आईडी दिया जाएगा जिसके तहत वो जितनी भी योजनाएं हैं उसको एकीकृत रूप से इन तक पहुंचाया जा सकेगा। और ये एक बड़ी चीज ये भी है कि जिस प्रकार से हमने कोविड के टाइम पर देखा था कि किस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने राज्यों की तरफ जाने को मजबूर थे, तो ऐसे में जब इनको एक यूनिक आईडी दे दिया जाएगा तो फिर इस यूनिक आईडी की सहायता से वो देश में किसी भी हिस्से में अगर वो काम करते हैं तो उन तक ये योजनाएं जो है वो आसानी से पहुंचाई जा सकेंगे, किसी प्रकार का कोई हर्डल जो है वो नहीं हो पाएगा।
और रजिस्ट्रेशन भी बहुत आसान है इसमें, उनको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं जैसे कि उनकी जन्मतिथि, उनका रहने का स्थान, उनकी सामाजिक श्रेणी का जो जो वर्ग है उनका, उसको उनको रजिस्टर्ड करना है, अपना बैंक अकाउंट, अपना पैन कार्ड, ये आधार नंबर, ये चीज़ें आपको उसमें रजिस्टर्ड करनी है। और उसके बाद फिर आपको एक, आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूनिक जो नंबर है वो इसमें रजनी दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी पहल आप मान सकते हैं, बिल्कुल श्रमिकों के लिए एक बड़ी पहल के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और मिडडे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता, उछलता है, दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बात की होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती की ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। ब्रेक के बाद मिडडे प्राइम में आपका स्वागत है। रक्षा सचिव अजय कुमार ने नई दिल्ली में नवाचार इंडस्ट्री में एक कार्यक्रम में रक्षा के क्षेत्र में हुए उत्पादन पर खुशी जाहिर की है। अजय कुमार ने कहा कि मौजूदा वक्त में रक्षा के क्षेत्र में संतोषजनक बढ़ोतरी हुई है। Our defense production has been nearly around 80,000 or so crores. But there has been one major feature of our defense production which needs to change. A large part of our defense production has been linked to licensed manufacturing, transfer of technology-based manufacturing. भारतीय नौसेना समुद्री चुनौतियों से निपटने के संयुक्त अभ्यास मलाबार 2021 में भाग ले रही है। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना, जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना भी हिस्सा ले रही है। आज से शुरू हो रहे 4 दिन के इस अभ्यास सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व युद्धपोत INS शिवालिक, INS कदमत और निगरानी लड़ाकू विमान P-81 कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से USA बैरी, USNS रपानोक, USNS बिगहोन और निगरानी रखने वाला लड़ाकू विमान PHA समुद्री अभ्यास में शिरकत कर रहा है। जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल का प्रतिनिधित्व JS कागा, मोरासा में और शिरानोई और निगरानी विमान P-1 कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी की ओर से HMAS वारामुंगा समुद्री अभ्यास में भाग ले रहे हैं। मालाबार 2021 अभ्यास में थल, नभ और समुद्र में युद्धक अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास से 4 देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ मिलेगा। समुद्री अभ्यास के दौरान कोविड महामारी से बचने के नियमों का भी पालन किया जाएगा। और डिजिटल जगत में प्रसार भारती का दबदबा कायम है। प्रसार भारती के डिजिटल नेटवर्क पर दर्शकों का विश्वास साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2017 से 2021 के बीच दूरदर्शन और आकाशवाणी की टीमों ने समाचार और सामान्य इंफोटेनमेंट दोनों श्रेणियों में केवल यूट्यूब के ही 15 मिलियन से अधिक नए डिजिटल सब्सक्राइबर जोड़ लिए हैं। वर्तमान में दूरदर्शन और आकाशवाणी के समाचार और सामान्य इंफोटेनमेंट दोनों श्रेणियों में 1.73 करोड़ डिजिटल सब्सक्राइबर हैं। आपके प्रिय चैनल डीडी न्यूज के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या वर्तमान में 4 मिलियन है। डीडी नेशनल के यूट्यूब सब्सक्राइबर्स की संख्या वर्तमान में 4 लाख से ज्यादा है। डीडी न्यूज के ट्विटर हैंडल के 3.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर है। डीडी न्यूज के फेसबुक पेज पर 2 मिलियन के करीब यूजर जुड़ चुके हैं। दूरदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल के 3 मिलियन के करीब फॉलोअर हैं। आकाशवाणी की यूट्यूब सब्सक्राइबर की संख्या 4 लाख है। दूरदर्शन नेटवर्क के कई स्थानीय चैनल भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। डीडी मणिपुर के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 2 लाख है। डीडी असम के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 1.5 लाख के करीब है। वहीं गुजरात के डीडी गिरनार के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 3.5 लाख है।
महाराष्ट्र के डीडी सह्याद्री के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की संख्या 7 लाख से ज्यादा है। डीडी कर्नाटक के यूट्यूब चैनल की सब्सक्राइबर की संख्या 10 लाख के करीब है। वहीं डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर की अगर संख्या की बात करें तो वो 2.25 लाख है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। तालिबान ने अफगानिस्तान के मशहूर टीवी न्यूज चैनल चोलू न्यूज के एक पत्रकार के साथ मारपीट की। उन्होंने पत्रकार का कैमरा और अन्य उपकरण भी तोड़ डाले। पत्रकार जायर खान याद ने ट्वीट कर बताया कि जिस समय वे काबुल शहर में रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी कुछ तालिबान एक बख्तरमंद गाड़ी में आए और उन पर हमला बोल दिया। चोलू न्यूज ने इस मामले की शिकायत तालिबान के अधिकारियों के साथ की है। याद रहे कि तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से पत्रकारों पर हमले की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अफरा तफरी के माहौल के बीच विदेशी और अफगान नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकलने का काम जारी है। इसी क्रम में पश्चिम देश काबुल से अपने नागरिकों और अन्य लोगों को निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताओं के बीच निकासी को पूरा करने का दबाव तेज हो गया है। तालिबान ने कहा है कि महीने के आखिर तक विदेशी सैनिकों को देश छोड़ना ही होगा। हालांकि तालिबान ने अफगानों को देश में ही रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू होने के बाद भी जाने वाले लोगों को ऐसा करने की अनुमति होगी। वहीं ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने कहा है कि आतंकवादी हमले से ज्यादा खतरे के साथ अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर बनी हुई है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि लोगों को निकालने की समय सीमा इस महीने के आखिर तक है। वहीं फ्रांस ने कहा है कि वह यथासंभव लंबे समय तक निकासी पर जोर देगा लेकिन इस महीने के अंत तक उन्हें ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जर्मनी अफगानों की मदद करने की कोशिश करेगा। साथ ही ताजिकिस्तान ने कहा है कि वह तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगा। और अब देखते हैं खेल जगत की खबर। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। और खेल की दुनिया की जो खबरें हैं उसकी शुरुआत जो करेंगे वो टोक्यो पैरालंपिक की खबरों के साथ, जहां पर टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं के टेबल टेनिस के क्लास 4 में भारत की भावना पटेल अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला जीत लिया है। पहले ग्रुप मुकाबले में हार का सामना करने वाली भावना ने दूसरे मुकाबले में ब्रिटेन की मैगन को 3-1 से हराने में सफलता पाई। भावना ने अच्छी शुरुआत की और पहले गेम को 11-7 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरे गेम को ब्रिटिश खिलाड़ी ने जीतकर मैच को बराबरी पर ला दिया। अगले दोनों गेम भारतीय खिलाड़ी ने 17-15, 13-11 से जीतकर मुकाबले को अपने नाम किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ मैं टॉप 16 में जगह बना पाई हूँ और जो मेरी अपोनेंट थी उसके साथ पॉइंट टू पॉइंट खेल के जो मतलब जो फाइट चल रही थी हम लोगों की 17 पॉइंट्स तक मैंने फाइट की तो वो खुशी बहुत है और मैं चाहती हूँ कि अभी और मैं बेटर करूँ। तो उस टाइम मैंने पेशेंस रखा था कि नहीं बस मुझे अपना फोकस कंटिन्यू करना है। टोटली मैंने फोकस अपने बॉल पे डाला था कि जिसकी वजह से मैं दिमाग में कोई भी फालतू थॉट्स ना है कि जिसकी वजह से मैं कहीं डाइवर्ट ना हो। मेरा टोटली फोकस बॉल पे था और वही मैंने किया। टेबल टेनिस की ही खबर के साथ जुड़े रहेंगे। स्टार इंडियन पैटलर जी साथियान ने ITTF चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। साथियान ने फाइनल मुकाबले में यूक्रेन के येवहेन प्रिशेपा को 4-0 से हराकर इस खिताब पर अपने नाम की मोहर लगाई। साथियान ने फाइनल मुकाबले को 11-0, 11-6, 11-6, 14-12 से अपने नाम किया। बात करते हैं कुश्ती की, जहां भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिन्हें कथित अनुशासनहीनता के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, इस साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बुधवार को इस संबंध में कहा कि विश्व कांस्य पदक विजेता विनेश को कड़ी चेतावनी देते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने का फैसला किया है। दो अन्य पहलवानों सोनम मलिक और दिव्या काकरान को भी चेतावनी दी गई है और विनेश की तरह वे भी विश्व चैंपियनशिप में भाग ले सकती हैं। हालांकि तीनों पहलवानों को लिखित में भारतीय कुश्ती
महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वे भविष्य में अनुशासनहीनता की घटना होने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पत्र में लिखा है कि कारण बताओ नोटिस का जो अपने लिखित जवाब भेजा है वो भले ही संतोषजनक नहीं रहा हो, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ आपको एक और मौका देता है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार कर सके। बात कर लेते हैं हेडिंग्ले टेस्ट की। तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी केवल 78 रन पर ही ढेर हो गई। इस दौरान टीम इंडिया के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुए। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा और ओवरऑल 9वां सबसे छोटा स्कोर बनाया। यही नहीं, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का ये तीसरा सबसे छोटा स्कोर भी रहा। वहीं 11 बल्लेबाजों में से महज 2 ही दहाई का आंकड़ा छू सके। देखते हैं इस रिपोर्ट को। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले में तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। हालांकि भारत के लिहाज से पहला दिन बेहद खराब रहा। भारतीय टीम पहली पारी में महज 78 रन पर सिमट गई। लीड्स में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनके इस फैसले को इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरह से गलत साबित किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने कोई भी भारतीय बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं पार कर पाया और पूरी टीम 78 रन पर पवेलियन लौट गई। भारत के इस प्रदर्शन के साथ ही उसके नाम पर कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए। भारत ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा और ओवरऑल 9वां सबसे छोटा स्कोर बनाया। यही नहीं, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का ये तीसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले भारतीय टीम दिल्ली में 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ महज 75 रन पर ढेर हो गई थी। इसके अलावा 2007 में अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वह 76 रन ही बना पाई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारतीय टीम इंग्लैंड में इस तरह से लड़खड़ाई है। भारतीय टीम के शीर्ष क्रम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद उसके निचले क्रम ने भी निराश किया। विराट सेना के आखिरी 5 विकेट 25 गेंदों में गिरे। ये भारत का तीसरा सबसे कमजोर प्रदर्शन है। इससे पहले भारतीय टीम के आखिरी 5 विकेट 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 23 गेंदों और 2013 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 25 गेंदों में गिरे थे। पहले दो टेस्ट में जहां गेंदबाजी के साथ टीम ने बल्लेबाजी में दमखम दिखाया, वहीं इस टेस्ट में भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। आलम यह था कि 11 बल्लेबाजों में से महज 2 ही दहाई आंकड़ा छू पाए। इनमें रोहित शर्मा ने 19 और अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए। कोहली पिछले 21 महीने से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए हैं। इस दौरान वे टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में 50 पारियां खेल चुके हैं। हालांकि उनके बल्ले से एक शतक का निकलना अभी बाकी है। कोहली का आखिरी शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान आया था। तब उन्होंने 136 रन की पारी खेली थी। टीम इंडिया की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा का बल्ला भी शांत है। पुजारा ने पिछली 11 पारियों से अर्धशतक भी नहीं लगाया है, जबकि 3 जनवरी 2019 से उनके बल्ले से एक शतक भी नहीं निकला है। इस दौरान वो कुल 35 पारियां खेल चुके हैं। भारतीय पारी को जल्द ही समेटने में इंग्लिश गेंदबाजों के साथ 7 विकेटकीपर जोस बटलर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय पारी के शुरुआत के 5 विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों में गए। ये सभी खिलाड़ी बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। इसके साथ ही जोस बटलर दूसरे ऐसे विकेटकीपर बन गए हैं जिसने किसी पारी के पहले 5 विकेटों में अपना योगदान दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो भले ही भारतीय टीम के लिए पहला दिन अच्छा ना रहा हो, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन जरूर टीम वापसी करने में कामयाब होगी। बहरहाल खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने सहयोगी रजनी के पास। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया है। लेह में आयोजित इस समारोह का विषय लद्दाख, नई शुरुआत, नए लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रदर्शनी, पैनल, चर्चा, बैठकें, तकनीकी पर्यटन, सांस्कृतिक संध्या जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। कई देशों के राजदूत और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जी किशन रेड्डी ने डिजिटल माध्यम से मुख्य वक्तव्य दिया। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। भारत की वो नारियां जो बन रही हैं समाज में बड़े बदलाव की नायिकाएं, जो तमाम बाधाओं को पार कर हासिल कर रही हैं असाध्य लक्ष्य, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। महिलाओं में अदम्य साहस होता है, जिसकी परिचायक बनती है तमाम ऐसी महिलाएं जो साबित करती हैं कि उनमें कितनी इच्छा शक्ति और जज्बा है कुछ हटकर करने का। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। मोदी सरकार की कूटनीति है जन सरोकार की कूटनीति, जिसमें नए भारत की चमक दिखाई देती है, नए भारत की धमक सुनाई देती है। कारपुर कॉरिडोर का निर्माण 2019 में हुआ, जिसके बाद यहाँ के लोग अपने धार्मिक स्थल तक आराम से पहुंच सकते थे। कोरोना काल में अगर देखा जाए कई लोग भारत के बाहर फंसे थे, ऐसे में उन लोगों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई और भारत सरकार ने भी वंदे भारत मिशन के तहत उन सभी लोगों को अपनी धरती पर लाने का एक मिशन बनाया, वंदे भारत। यही भारत सरकार है कि कहीं भी कोई भी हो सकता है, कहीं बाढ़ आती है, किसी या अटैक होता है, वहाँ पे पहुँच के उनकी मदद कर रही है।